Rovine. Bella che cavolo, che ne cavocca. Insieme a Vintava. Black Mama. Pimco. Che cavolo è? Il Pilder. Super Kligen che passa chi è? Il Japan che lì è. Japan è niente. Che è? Ma ci c'è che fa? E poi tu dai la tega. Ma mi sono dato la tega. E dai la tega. E Good moment hai apar. Sisir chukke gol daalne se goalkeeper ki sooch booch behtareen goalkeeper ka pradarshan isse Salibur ko milta hua ke apne niyantran mein rakhe game ko aur aage badhate hue Salibur tezi se tezi dikhate hue yahan par akraman ka moment banane ki koshish mein dastabar ko milta hua game dastabar apne niyantran mein rakhe game ko aur aage badhane ka prayas karta hua sundar chhaal yahan par mauka tha Salibur ke liye bhi काफी रोमांचक मौका बना कभी इसके में मत कभी उसके में मत करवन होता हुआ फिर से यहां सालीपुर जाना चाहते हैं लेकिन यहां पर डिफेंडर ने रोका फिर से नीचे की तरफ आई जरूर गेंद दोनों पर जमता हुआ गेंद शुरू के लिए और इसे छीनने का प्रयास करता हुआ छोटे पास के इस्तेमाल लेकिन इसी बीच रेफरी महोदय की सीटी और देखना पड़ेगा प्रकाश साया जी की सीटी बजी है फ्री किक का मौका मिलता हुआ ब्लैक मामा टीम को लंबी उछाल के साथ रिलीज की यहां पर लेफ्ट मिडफील्डर को दी है गेंद उन्होंने सीधे आगे बढ़ाते हुए लेफ्ट विंगर को ढूंढा विकास के लिए और सुंदर थ्राइंग इस समय सात नंबर को मिली है मरन तीन नंबर पर मिलता हुआ मंगल सुंदर तालमेल बनाने की कोशिश पड़ेगा क्या कुछ करेंगे समान तो पास खेला है इस समय सीधे शुरू के लिए शुरू ने गेंद को लंबी उछाल के साथ रिलीज की गेंद को ताकि छोटे खिलाड़ी के लिए उन्होंने नियंत्रण किया गेंद को आगे बढ़ता हुआ चिकित के साथ यहां पर लेकिन दिशा ही भी इस बार और ये चली गई बोला इस बार एक गोल किक का मौका मिलेगा रेहान टॉप गोलकीपर पास खेलते हुए सचिन के लिए उन्होंने दाएं छोर के पिकुल को देते हुए पिकुल ने सुंदर पास खेला है बैद्यनाथ को ढूंढा बैद्यनाथ सीधे शिशिर के लिए बैद्यनाथ के साथ तालमेल बनाते हुए यहाँ पर जापान को ढूंढा है जापान ने फिर से शिशिर को दी शिशिर ने सीधे विकास के लिए फेंकना चाहते थे लेकिन डिफेंडर मौजूद यहाँ पर अच्छे पास खेलते हुए फिर से टिकुल मौजूद यहाँ पर खेला जयपाल के साथ जयपाल नियंत्रण करना चाहते थे गेंद को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इस समय सालीपुर के खिलाड़ी को मिलता हुआ शुरू को मिलती हुई गेंद शुरू ने सुंदर छाप के साथ गेंद को प्रयास किया हवा में थी गेंद इसे छीनने का प्रयास टिकुल कर रहे थे फिर से मिलता हुआ यहाँ पर आठ नंबर मोरन मोरन ने पढ़ाई गेंद को अपने साथी खिलाड़ी के लिए तीन नंबर के लिए तीन नंबर मंगल के लिए मंगल से छीनने का प्रयास करता हुआ जयपाल मौजूद है जुगुल आए हैं यहाँ पर छीनने में सफल हुए जुगुल पास खेला है विकास के लिए गेंद को यहाँ पर देते हुए फिर से सीसी नौ नंबर अपने नियंत्रण में रखकर टिकुल को ढूंढा टिकुल ने अपने नियंत्रण में रखकर चप्पा देने की कोशिश करता हुआ देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे सीना जबरदस्ती शुरू ने फिर से गेंद को आगे बढ़ाना चाहते थे लेकिन टिकुल के पास से टकराई गेंद और चली गई बना से बाहर टिकुल का मौका मिलता हुआ सालीपुर टीम को बाद गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश बैक हैंडर डिफेंडर को दी सचिन सचिन विकास विकास लेफ्ट मिडफील्डर अपने नियंत्रण में रखा और बायपास से बनाया गेंद को विकास के लिए विकास अपने नियंत्रण में रखा गेंद को और आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे थोड़ा पास के इस्तेमाल करते हुए और छोटे पास अच्छा तालमेल बनाता हुआ यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे और विकास ने बायपास से यहाँ पर सचिन को ढूंढा सचिन ने नियंत्रण किया गेंद को और इसे रोकने का प्रयास करता हुआ फिर से विकास इन किया था जरूर लेकिन गोलकीपर एन रोक के पड़ा आया और गेंद को रोकने में सफल अनिल पाठक भी हुआ गोलकीपर का सुंदर प्रदर्शन उनका इससे सालीपुर गेंद को ले जाते हुए दाएं छोर से आक्रमण बनाने का प्रयास करता हुआ देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे यहां पर मौका बनाने के लिए बाबू से आक्रमण करने के लिए किया था लेकिन इस बार भी जोरदार मुकाबला होता हुआ जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए खिलाड़ी पास खेले हैं यहाँ पर मैचों के टिकुल के लिए गेंद को पास किया है और टिकुल नियंत्रण में रखकर सिसिल को दी है गेंद सिसिल ने नियंत्रण की है जुगल के साथ खेला जुगल ने फिर से सिसिल को दिया सिसिल ने नियंत्रण की हुई है और लंबी उछाल डाली है यहाँ पर बैजनाथ के लिए गेंद को पास किया है बैजनाथ थे यहाँ पर जरूर लेकिन सिसिल से टकराने के बाद गेंद चली गई बना से बाहर थोड़ा के मौका मिलेगा सनी गुरु
के खिलाड़ी और सुंदर ट्राई, लेकिन रेफरी बहुत अच्छी थी यहाँ पर खेलते में, लेकिन रेफरी बहुत इशारा कर रहे हैं ये आप जहां से भी मार दोगे क्या, शायद यही सवाल उनके द्वारा निकलता हुआ और टिकट को मिलता हुआ गए थे यहाँ पर जुगल को भीगा जो कि मिट्टी लगे रूप में खेलते हुए लंबी छाप के द्वारा विकास के लिए गेंद को पास किया है विकास यहाँ पर अपने कब्जे में ली दो रन को चक्का देने के बाद नीचे की तरफ फिर से जुगल के साथ खेला जुगल ने अपने नियंत्रण में रखी है फिर यहाँ पर बैजनाथ को बैजनाथ आगे बढ़ाए सिसिर सीने से रोकने का प्रयास करता हुआ अच्छी ने झपट लेते फिर से जुगल को मिली उन्होंने सिसिर के लिए गेंद को पास किया सिसिर ने छोड़ा था गेंद को अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ी के लिए हो गया अच्छी तालमेल बनाता हुआ सिसिर को मिली है गेंद मौका मिली है यहाँ पर लेकिन गोलकीपर अनिल को मानना पड़ेगा यहाँ पर हर आक्रमण को नकारते हुए बेहतरीन गोलकीपिंग का प्रदर्शन करते हुए फिर से जाता हुआ देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे मोरन जो कि आठ नंबर की जैसे पर खेलते हैं सुरु को थोड़ा एक पास देते हुए सुरु ने मिडफील्डर को देते हुए मिडफील्डर के साथ खेलने के लिए ले जाना चाहते हैं और मोरन को मिली है जो कि सात नंबर के जैसे पर मोरन खेलता हुआ सात नंबर की तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन काफी जोरदार मुकाबला होता है और अच्छे मौका है यहाँ पर दिख नहीं करो लेकिन उच्चारण ज्यादा यहाँ पर कहना पड़ेगा माटा को थोड़ा नीचे रखना चाहिए था गेंद को लेकिन माटा ने निचले हिस्से में प्रहार किया इस कारण उछाल जाता थी गेंद पर और गेंद चली गई गोल बार में पसंद आया पीछे और गलत पास पर बैठे थे लेकिन रोकने में सक्षम मिलता हुआ गेंद इस समय कृष्णा को और फिर से बैक पास हुई दो नंबर को मिलता हुआ सचिन जो कि मैन डिफेंस के रूप में खेलता हुआ एक सुंदर चौका के बाद जुगल के साथ सचिन के लिए सचिन ने गेंद को नियंत्रण किया है इस समय आगे बढ़ता हुआ काफी सुंदर खेल का प्रदर्शन करते हुए अच्छी तालमेल के साथ खेलते हुए यहाँ पर आपने बढ़ाई जरूर इसी क्रम में गेंद चली गई मैदान से बाहर और कहना चाहेंगे यहाँ पर हम अगला मैच के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे जो कि द्वितीय चक्र का प्रथम मैच खेला जाएगा आप दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहेंगे अगला मैच खेलने के लिए एसएससी फूतिया और कलिंगा वारियर एसएससी भूतिया और कलिंगा वैरियस फुटबॉल टीम आप दोनों टीमों से निवेदन है अनुरोध है कि अगला मैच खेलने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे द्वितीय चक्र का प्रथम खेल खेलने के लिए एसएससी भूतिया और कलिंगा वैरियस फुटबॉल टीम आप दोनों बिल्कुल तैयार रहेंगे अगला मैच खेलने के लिए खेल चलता हुआ ब्लैक मामा और आजाद स्टार क्लब साली गुरु के बीच इस समय टिकुल को मिलता एक मामा के पास खेला है सिसिर के लिए नियंत्रण किया और ये पास खेले विकास के साथ तालमेल में बनाए थे विकास ने गलती कर बैठे गोलकीपर को पास दे बैठे अनिल काफी सुंदर तरीके से गेंद को नियंत्रण करके पास खेले हैं सुंदर उछाल के साथ डाली हेडा द्वारा प्रयास किया था यहाँ पर माठा ने डांचों के खिलाड़ी को देते हुए नियंत्रण करने के बच्चा छोटे पास के ऊपर बना उसी की तरफ लाई थी गेंद को पट्टी सुंदर उछाल कहने जरूर इस समय तो मारा मौका लेकिन बाएं पाँव से दिखाएंगे चली गई गेंद गोल लाइन से बाहर अच्छी तालमेल टिकुल के लिए गेंद की लंबी उछाल फिर से जयपाल को ढूंढा यहाँ पर लेकिन छुट्टी गेंद जयपाल से जुगो ने नियंत्रण करना चाहा रेफरी मोड़े किसी की जयपाल जा जा जयपाल और इनडायरेक्ट किक का इशारा था इसलिए रेफरी महोदय हाथ उठाए थे यहाँ पर और माटा को मिलता हुआ माटा एक मौका को गंवाए थे जरूर माटा को मिली है काफी सुंदर यहाँ पर पीछे की तरफ पास खेले हैं देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे यहाँ पर लेकिन इसे छीनने में सफल हुए और तेजी दिखाते हुए काफी तेज चलाने के बाद गेंद को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए ब्लैक मामा पास खेले हैं बैजनाथ जुगल के लिए एक चकमा जुगल के पास है छोटे पास के सिवा सिसिर को दिया सिसिर ने आगे बढ़ाई गेंद को विकास ने सीधे टिकुल को खेला है टिकुल गेंद तक जाते इससे पहले गेंद चली गई बैठा से बाहर
बहुत ही रोमांचक मुकाबला चलता हुआ थ्रो इन के बाद इस समय सुरू गेंद को लेने की कोशिश में सुरू नियंत्रण में के बाद गेंद को आगे बढ़ाते हुए पास खेलने के बाद इस समय 6 नंबर को देते हुए 6 नंबर खेलता हुआ 9 नंबर की देते हैं नहीं सॉरी 6 नंबर की देते हैं और अच्छा से कानून बनाने का प्रयास लेकिन गोलकीपर के हाथ से जा टकराई गई यहां पर गोल होने की पूरी संभावना थी लेकिन एक मौके पर गोलकीपर का हाथ दिखा गोल से टकराई उछाल हुई और चली गई गोल बाहर ऊपर से बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन अगर इस मोमेंट को दोबारा देखना चाहते हैं तो पिंटू गोदरा चप्पल का मिल रहा गोल मिल रहा चप्पल आपको ये मैच दोबारा देखने को मिलेगा क्या कुछ कर सकते हैं इसके लिए और विकास को देते हैं विकास ने अपने नियंत्रण में रखकर सिसिल को दिया है सिसिल अपने नियंत्रण में फिर से अपने के लिए ले जाता हुआ सालीगुरु की टीम कहना पड़ेगा मानना पड़ेगा काफी रोमांचक मुकाबला इस खेल में आक्रमण जैसे ही होता है तो प्लेटफॉर्म वाला आक्रमण जब करती तो सालीगुरु की टीम भी कम नहीं वो के लिए चौथा तरीके से जाते हैं लेकिन माता का हेडर जो कि दिशाहीन हुई और चली गई गोल हमारे ऑफिशियल से काफी रोमांचक मुकाबला चलता हुआ पास खेले हैं सचिन के लिए सचिन ने नियंत्रण किया गेंद को काफी सुंदर सुशील को पास खेला है सचिन ने नियंत्रण किया आगे बढ़ता हुआ पास खेले चपाल के लिए क्योंकि कौवा के नाम से फुटबॉल की दुनिया में जाने जाते हैं और सिसिल को खेलना चाहते थे छोटी गेंद यहां पर सिसिल गेंद तक पहुंच नहीं पाया और डिफेंडर काफी सुंदर तरीके से तुरा पूर्ति गेंद को दबाने में सक्षम हुए और गेंद चली गई गोल लाइन से बाहर इसलिए क्वार्टर का मौका मिलता हुआ क्वार्टर का मौका मिलता हुआ इस समय सिसिल इस गेंद को किक करने के लिए तैयार लेकिन मामा को क्वार्टर का मौका मिला है और पीछे की तरफ आते हुए इस समय काफी तेजी से माउटा ले जाते हुए गेंद को टिकुल को चकमा देने की कोशिश गलत पास कर रहे थे लेकिन छिना झपट्टी होता हुआ जुगल को मिली है गेंद उन्होंने खिलाड़ी को खिलाया और देखना पड़ेगा जगह बनाई टिकुल ने रिसीव किया आगे बढ़ाई इस समय विकास को ढूंढा है विकास ने सीधे टिकुल को खेला टिकुल ने नियंत्रण किया गेंद को देखना पड़ेगा जयपाल के साथ तालमेल बनाया है जयपाल क्या करते हैं यहाँ पर जयपाल के पास गेंद उन्होंने सिसिल के लिए गेंद को पास किया है मौका बना है इस समय जोरदार हवा में गेंद डिफेंडर से टकराने के बाद और चली गई गोल लाइन से बाहर पोस्ट तक उछले थे जरूर कहीं खतरा ना हो जाए हमारे गोल पोस्ट ये सोचकर शायद लेकिन गोल बॉल की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि गोल पोस्ट में आ ही नहीं सकता लेकिन एक कॉर्नर का मौका यहां पर जरूर मिलेगा ब्लैक मामा टीम को टिकुल इस गेंद को किक करने के लिए सुंदर उछाल विकास आए थे जरूर लेकिन गेंद टिकुल दौड़ कर गए थे यहां पर देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे और इस समय माटा को मिलता हुआ गेंद माटा तेजी से अपने कब्जे में लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करता हुआ चकमा देने में नाकाम माटा लेकिन सचिन तैनात और टिकुल इस गेंद को क्लियर किया टिकुल को पास देते हुए सुंदर पास पे पास खेलने को मिला रैंडम खेल देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि सचिन की टीम है और बेहतरीन फुटबॉलर्स इस दोनों टीमों में खेल रहे हैं मानना पड़ेगा आजाद स्टार सालीगुरु को कि
काफी बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं जरूर, लेकिन दोनों टीमों को बारे में जाना चाहेंगे प्लेट मामा के बारे में भी जाना चाहेंगे कि फिनिशिंग नहीं दे पा रहे अभी तक, इसलिए गोल देखने को नहीं मिला है। और जिससे मिलता हुआ प्लेट मामा को, प्लेट मामा के विपक्षी टीम मोरन को मिलता हुआ, मोरन ने अपने साथ पास देते हुए अच्छी जंग साथ आया लेकिन गोलकीपर के हाथों में जाने दिया सचिन ने। और इसी बीच स्टार क्लब सलीमपुर के काम करने के बाद का सफेद जर्सी पर खेल रहे ब्लैक मामा की टीम और नीली जर्सी पर खेलते हुए आजाद स्टार क्लब सलीमपुर भेजने की कोशिश डिफेंस लाइन को, लेकिन सचिन ने इसे क्लियर करने में सफल और सीधे विकास के लिए पास किया है, विकास अपने लिए नियंत्रण में रखी हुई है और सीधे जोर के साथ जो कि मिडफील्डर के रूप में खेलता है उन्होंने इनको पीछे की तरफ बैठा कर ढूंढा है, बैठा है अपने नियंत्रण में रखकर ऊंचाई के साथ सीधे विकास को डाली है गेंद, विकास के बाएं पैरों से दिशा देना चाहते थे लेकिन दिशा देने में नाकाम और बाहर अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं दोनों टीमें, लेकिन अलग बात है कि अब तक दोनों टीमें अच्छे को खेल नहीं पाए हैं। जब तक गोल नहीं करोगे आपके हाथ में जीत नहीं आएगी, ये फुटबॉल का नियम है, जब तक विकेट नहीं लोगे आपके हाथ में जीत नहीं आएगी, ये क्रिकेट का नियम है, और जब तक आप बास्केट नहीं करोगे तब तक आपके हाथ में जीत नहीं आएगी, ये बास्केट बॉल की नियम है। तो यहाँ पर आज चलता हुआ महाबीरा यूथ क्लब चमोदा के मैदान में एक फुटबॉल का महाकुंभ जो कि चार दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें चार ग्रुप बनाई गई है और प्रत्येक ग्रुप में आठ आठ टीम है और आज ग्रुप सी का मैच चलता हुआ जो कि इस समय खेल रहे हैं, ग्रुप बी का प्रथम चक्कर अंतिम खेल सुंदर उछाल के साथ यहाँ पर डालने की कोशिश, लेकिन फिर से सचिन गेंद को नियंत्रण किया, बाएं पास है सिसिर स्टाइलिस्ट प्लेयर, सिसिर स्टाइलिस्ट प्लेयर के रूप में जाने जाते हैं बैजनाथ को ढूंढा उन्होंने, बैजनाथ अपने नियंत्रण में रखा दायित्व के खिलाड़ी को दी है, देखना पड़ेगा कोमल के साथ गेंद को रोका है विकास ने क्या कुछ करेंगे यहाँ पर पास खेलने की कोशिश, लेकिन लहराई छक्का रंजीत सामिया जी का क्योंकि मैदान से गोल लाइन से बाहर चली गई थी गेम, इसलिए गोल किक का मौका मिलेगा आजाद स्टार क्लब सलीमपुर की टीम को। और के लिए लेकिन हेडर किए यहाँ पर सचिन ने, बैक हेडर करते हुए काफी सुंदर तीन नंबर के लिए किया है, तीन नंबर नंबर की जर्सी पर पाकुम खेलता हुआ और दो नंबर की जर्सी पर सचिन खेलते हैं, इस समय काफी सुंदर सूर्य के पास गए तालमेल बनाने की कोशिश चुके यहाँ पर जयपाल को मिलता हुआ, देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे जयपाल, लेकिन बाएं पास से निकालने में सफल डिफेंडर और गेंद चली गई बॉल लाइन से बाहर और माइक्रोफोन का टिका है। बहुत धन्यवाद बड़े भाई लिटिल जिस प्रकार से मेसी अगर बात करें हम तो झारखंड के टीम में एक तरफ ब्लैक मुंबई एफसी व्हाइट कलर के जर्सी में उनके साथ साथ आजाद स्टार क्लब सानी दोनों टीम अगर बात करें फर्स्ट हाफ में सुने सुनने के साथ मैच की समाप्ति हुई और रिएक्शन के बाद अगर अभी तक देखा जाए तो ये मेस का रूपरेखा अभी भी वही स्थिति पे चल रहा है, एक तरफ सूर्य जैसे खिलाड़ी को लेकर टीम है आजाद स्टार सानी आजाद स्टार क्लब सानी ग्रुप काफी सारे स्टार खिलाड़ी लेकर ब्लैक मुंबई सिसिर जिसे खिलाड़ी यहाँ पर टीम में मौजूद है अभी तक स्कोर देखने को नहीं मिला, ये कमी है यहाँ पर देखने को मिलता है ब्लैक मुंबई बाकी देखने को नहीं मिला फिजिक देखने को नहीं मिला अभी तक टीम के पास और इस दरमियान जयपाल सिरका पर घूमता हुआ जयपाल सिरका ने गेंद को रिसीव करते हुए आगे बढ़ने के प्रयास जो चर्चित खिलाड़ी ब्लैक मुंबई एफसी के वो टीम को अभी तक रोक के रखी हुई है आजाद स्टार क्लब सलीमपुर झारखंड, ये कमाल का मैच यहाँ पर चलता हुआ अलग तरीके से रणनीति अगर देखा जाए तो टीम ने बना दिया है
परंपरा के वन बाय वन चांसेस मिला उस वन बाय वन चांसेस में और और इस तरह का बातों को बोलने के बीच में पीछे चलते हैं और बबुल को फेंकता है वो शुरू करता है गेंद को पास करने के बाद पैर के साथ गया हुआ लेकिन उससे पहले रेहान के द्वारा अच्छी गोलकीपिंग देखने को मिला लंबा क्रिकेट संकेत को निकाला गया है अपने साथी के लिए और यहां पर प्रदीप ने और अभी भी शुरू कर रोकने की पूरी प्रयास करता लंबा क्रिकेट साथ सचिन ने पटरा के लिए जैसे सचिन पटरा जैसे बच्चों में गेंद को रिसीव करते हुए हल्की प्लेसमेंट के साथ यहां पर इस तरह में लेके खिलाड़ी की सख्ती छूट देखने को मिलता हुआ जो कि जुगल किशोर फूर्ति आउट और उनके जगह में अगर देखा जाए तो वो है रघुनाथ को बीट में यहाँ पर ग्राउंड का दल लाया गया यहाँ पर एसटीपी का ओपोनेंट आया हुआ एसटीपी का ओपोनेंट आया हुआ टीम में आचार्य स्टार क्लब साली ग्रुप की ओर से असही इससे यहाँ पर देखने को मिलता मिडिल रेफरी प्रकाश नायक की ओर से यहाँ पर हुस्ली से ये मैच स्टार्ट हुई तो हुस्ली के जरिए यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा हुस्ली हो चुकी है सुबह 17 बैदनाथ किक लेके प्रस्तुत होता हुआ होने पर किक के साथ गेंद को काफी सुंदर तरीके से रिलीज किया गया है अभी भी खतरा बन रखता हुआ और क्या कमाल का गोल कीपर का तवाज है कुभक्त सितारे एक बड़ा टीम को रोक के रखी हुई है अभी तक अगर देखा जाए टीम में चूंकि अनिल जिनके अगर बस की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा पाका बस की एक खिलाड़ी आजाद स्टार क्लब साली बोर की ओर से उभरते सितारे कम उम्र में काफी कुछ यहां पर देखने को मिलता हुआ अनिल पाटली बोर की ओर से बाबू ने गेंद को रिसीव करने से पहले पाटा ने उस गेंद को छीन लिया पर सब रनिंग में कोई कमी नहीं है पूरा पट के साथ रिलीज किया गया है अपना रोकने के लिए प्रयास के साथ जाता हुआ पूरा गेंद जाता है पहले सब पाई सुखी विकास विकास ने पाया विकास ने यहाँ पूरा लेकिन थोड़ा हल्की सी गेंद मिस किया गया था जिंदर रखने के लिए प्रदीप अपने साथी को ढूंढता हुआ लेकिन मोहन सिंह भी हुआ और मोहन सिंह ने पूरा शुरू करने के लिए पूरा शुरू करना है फिर भी आगे बढ़ता जाते हैं स्टार क्लब सलीम ब्रू के पास किया जैसे देखा नहीं पाया अभी तक देखा जाए आजाद स्टार क्लब सलीम ब्रू ने परंपरा ये कतरा मौका बना था परमा टीम में प्लेयर को मौका को रोक के रखे उनके साथ साथ स्कोर करने के लिए भी तीन तीन चांसेस बनाया टीम में आजाद स्टार क्लब सानी भूले की उस मौका को भुला नहीं पाए और मिस में जब देखा था तो यहाँ पर हैनीपुर का सिग्नल सचिन सचिन वीरेंद्र थ्री प्रकाश स्वयं द्वारा ए आर टू में मंजित सर उनके साथ साथ ए आर उसके आर टू में देखा था वो है अर्जुन सोरेन और ए आर वन में देखा था अजीत सिंह जैसे वन नाइन सिसीर ने यहाँ पर जयपाल ढूंढा हुआ जयपाल होल्ड करते हुए एक स्टार खिलाड़ी जयपाल जिनके बात की जाए तो काफी लाजवाब है फिनिश के लिए जाना जाता है लेकिन अभी मैच फिनिश नहीं दे पा रही ये क्या ये क्या ये कुछ नहीं इस प्रकार की कर लिए कुछ होने वाला नहीं है टीम में ब्लैक मंबा के लिए आपको मूवमेंट बनाना होगा चांसेस बनाना होगा टीम को स्कोर दिलाने के लिए बात करें यहाँ पर आजाद स्टार क्लब साली भूरे क्या कमाल का मैच खेला एक बड़ा टीम झारखंड क्षेत्र में काफी चर्चित टीम को यहाँ पर रोक के रखी हुई है आजाद स्टार क्लब साली भूरे काफी उम्दा प्रदर्शन ऐसे प्रतीत हो रहे कि ये मैच धीरे धीरे से अंतिम चरण की उन्नति कर रहा है अगला मैच के लिए सेकेंड राउंड मैच खेलने के लिए टीम है कोडिंगो वारियर कोडिंगो वारियर फुटबॉल टीम एंड टीम एसएससी भूतिया एसएससी भूतिया एंड टीम कोडिंगो वारियर आप फिर टीम के टीम के प्रश्न हो रहे हैं कि मैच समाप्त होने से पहले अपनी पूरी टीम को लेकर फोटो से रिपोर्ट करेंगे टीम है एसएससी भूतिया एंड टीम है कोडिंगो वारियर आज का सेकंड नंबर प्रथम मैच खेलेंगे और सेकंड नंबर द्वितीय मैच रहेगा एडन डुंगरी सलाइव बनाम ये दो टीम जो भी टीम जीतेगा उनके साथ सेकंड मैच रहेगा सेकंड नंबर और इस दरमियान ये प्रसिद्ध करते हुए यहाँ पर अच्छी कोशिश के साथ रघुनाथ दुबे लेकिन वही गलती यहाँ पर और यहाँ पर गेंद को ले जाते हुए रफ्तार के साथ धीरे धीरे से गेंद को आगे बढ़ाता हुआ मोहन सिंह खंडाई थे और अच्छी प्लेसमेंट के साथ यहाँ पर अच्छी मोहन सिंह फिर वह ढूंढते हुए अच्छी तालमेल के साथ इस तरह मोहन ने शॉट दिया ये चांसेस था
एक अच्छी कोशिश लेकिन नियर तो फिर सोचा फर्स्ट पोस्टमैन होता तो जरूर यहां पर रेहान के लिए कुछ खतरा बन सकता, उसके लिए कुछ खतरा बना सकते थे लेकिन वैसे हुई नहीं। और गोलकीपर रेहान लंबा की कहेंगे छोटी छोटी के साथ यहां पर बाबू बाबू फूटा बाबू ने इस गेंद को तीन खिलाड़ी के बीच से गेंद को निकाला अपना सचिन को फूटा हुआ सचिन पूरा यहां पर पूरा थोड़ा सा गलत पास के पास होता मार के जाता हुआ यहां पर पूरा मोरन सिंह के पास मोरन के पास गेंद और मोरन सिंह क्या करेंगे क्या नहीं और ये कमाल का मौका था और होने की संभावना बन गया था लेकिन क्या डिफेंडिंग किया। अगर यहां पर जस्ते पर थ्री बाबुल को पर गेंद नहीं टच करते तो अगला यहां पर नाटक बन सकता प्रस्तुत था गेंद वहां पहुंचती यानी स्कोर हो जाता। क्या कमाल का मोमेंट था यार मैच में काफी कुछ देखने को मिला लेकिन अभी तक स्कोर देखने को नहीं मिला लेकिन तो ट्राई का चित्र रुपए में लेकिन कहना से फॉल सिग्नल पा के बिटेंगे बंद बोल का बिटेंगे दोस्तों ने टच दिया बाहर और थोड़े करने के इस दरमियान में हम दोस्तों जिस पर सेवन की टूटा हुआ है अच्छी जगह ऊपर बताओ पेनल्टी एरिया के आसपास लेफ्ट साइड से बेटा करने के लिए शूटिंग में चला जाता है ये क्रॉस आया और ये भी निकल गया ये भी क्रॉस मार को चुनता हुआ गेंद निकल गया है ये टूर्नामेंट हम सब से विदाई लेंगे क्योंकि ये कश्मीर का टूर्नामेंट महाबीर का है जम्मू का छोटे है नोकर फुटबॉल टूर्नामेंट का कल ये फिर से महाबीर का कल ग्रैंड फाइनल होने वाला है उसके ग्रैंड फाइनल में देखते हैं बड़े का इस साल का चैंपियन और इस दरमियान ग्रुप सी के चैंपियन गुजरी प्रयास जैसे में सेवे चैंपियन सी का और चैंपियन सी का गलत थी शॉट का वाकया रहा है के पास
लेकिन आज क्या कमाल का गेंद देखने को मिल रहा है प्रदीप गगराई के द्वारा। इस पर प्रदीप के पास गेंद, प्रदीप ने गेंद को फिर से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। पुलिस क्या क्या है पीछे बैक साथ पर जैसे बस सेवन ढूंढा हुआ जो मोरन सिंह, मोरन सिंह के पास गेंद। अब मोरन ने अच्छे तरह से कटा हुआ गेंद को होल्ड करते हुए शुरू ढूंढा हुआ शुरू नहीं तू लाइक नहीं दूर है और यहां पर एडवांटेज देता हूं मेरे डेफिनेट एडवांटेज देता हूं। अच्छी मौका यहां पर मोरन के पास और क्या अंतिम समय में इस दबे रह रहे स्कोर दागने दोनों टीम से कोई एक टीम तो मुश्किल हो जाएगा। सौ भी नहीं आ गया लेकिन अच्छी गोल कीपिंग और बातों बातों में ये